नमस्कार, मैं हूं श्रिया और आज मैं मौजूद हूं दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के चेयरपर्सन मिस्टर अनुराग कुंडू के साथ। मिस्टर कुंडू आज बताएंगे कि इस कमीशन ने क्या नए इनिशिएटिव लिए हैं। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी प्रोग्राम क्या है? ये बेसिकली एक प्रोग्राम है, आपने देखा होगा नई शिक्षा नीति में भी फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी पर बहुत जोर दिया गया है। पूरा एक डेडिकेटेड सेक्शन है फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी पे। हर बच्चे को पढ़ना है, हर बच्चे को लिखना है, हर बच्चे को कम से कम बेसिक गणित करना है और ये ज़रूरी है, खासकर हमारे देश में जिसकी रियलिटी है। हर साल प्रथम की जो रिपोर्ट आती है, एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट, वो बताती है कि पाँचवीं ग्रेड के लगभग 50% बच्चे दूसरे ग्रेड की अपनी मातृभाषा किताब नहीं पढ़ सकते। ये दिखाता है कि हमारा स्कूली व्यवस्था बच्चों को लिटरेसी न्यूमरेसी भी नहीं सिखा पा रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम बुनियाद पर जाएं, हम बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाएं ताकि पूरा दरवाजे खुलें, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुले बच्चों के लिए शिक्षा एक्सेस करने की, एम्प्लॉयमेंट एक्सेस करने की। तो जो फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी प्रोग्राम है DCPCR का, वो ध्यान देता है उन बच्चों के ऊपर जो फिलहाल चिल्ड्रन होम्स में हैं। अक्सर वो बच्चे चिल्ड्रन होम्स में होते हैं जो शिकार है, विक्टिम है, चाहे तो किसी क्राइम का, चाहे वो क्राइम हो सकता है सेक्सुअल असॉल्ट या ट्रैफिकिंग या चाइल्ड लेबर या बेगिंग या सर्कमस्टेंसेस का, जैसे उदाहरण के तौर पे दोनों माता पिता की डेथ हो जाना। तो उन बच्चों पे संबंधित, उन बच्चों पे आधारित, उन बच्चों पे फोकस्ड फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी प्रोग्राम्स हैं ताकि ये बच्चे बुनियादी अपनी शिक्षा का ढांचा मजबूत करें और पढ़ें और जीवन में आगे बढ़ें। सर, ये जो रीडिंग कैंपेन है वो कैसे काम करता है और ये है क्या? ये बेसिकली है कि हर चिल्ड्रन होम में जो बच्चे हमारे पास आते हैं उनके वहाँ जो भी मैनेजमेंट स्टाफ है, चाहे वेलफेयर ऑफिसर हो, चाहे टीचर हो, चाहे कोई और हो, उसको हर चिल्ड्रन होम से हमने, डिपेंडिंग ऑन उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, कितने बच्चे हैं चिल्ड्रन होम में, सभी को ट्रेन किया बेसिक पेडागॉजी पे कि बच्चों को लिटरेसी और न्यूमरेसी डेवलप कैसे कराते हैं। तो ट्रेनिंग के बाद से हमने इसकी मॉनिटरिंग करनी स्टार्ट करी। तो आइडिया ये है कि दिन में 1 घंटा हिंदी और 1 घंटा गणित बच्चे रोज़ प्रैक्टिस करेंगे और हम हर बच्चे को ट्रैक कर रहे हैं कि कौन सा बच्चा अक्षर ज्ञान पर है, कौन सा शब्द के ज्ञान पर है, कौन सा वाक्य है या अनुच्छेद या कहानी या एडवांस्ड कहानी के लेवल पर है। और हर हफ्ते हम बच्चे का एक असेसमेंट करते हैं कि क्या हमने हफ्ते भर जो मेहनत करी, बच्चे के साथ अभ्यास किया, बच्चे ने अभ्यास किया, क्या उसमें कोई प्रोग्रेस है, ताकि हम कोर्स करेक्शन कर पाएँ, जो अच्छा किया वो एम्प्लीफाई करें, जो अच्छा नहीं हुआ उसको हम रेमेडी करें, उसमें करेक्शन करें। तो 5 से 6 दिन हर हफ्ते 1 घंटा गणित, 1 घंटा हिंदी और उसके बाद असेसमेंट, फिर कोर्स करेक्शन। ऑलराइट सर, चिल्ड्रन डिस्ट्रेस रिस्पांस हेल्पलाइन नंबर जो लॉन्च हुआ उसमें उसको काफ़ी कामयाबी मिली, तो इसके पीछे ये कारण आप क्या देखते हैं? देखिए, जो हमारी डिस्ट्रेस रिस्पांस हेल्पलाइन है वो पिछले साल 1 अप्रैल को लॉन्च हुई। अब ये इत्तेफाक है कि उसी दौरान कोविड की जो सेकंड वेव है वो भी अपने उफान पर आनी स्टार्ट हुई। तो जब कोविड वेव आई और उसी दौरान हमारी इमरजेंसी हेल्पलाइन जो है लॉन्च हुई, तो एक तरह से वो एक लोगों की लाइफलाइन बन गई। हमें अलग प्रकार के कॉल आते थे, बच्चे के माता पिता की डेथ से लेकर और बच्चों का फिर उसके बाद वेलफेयर से लेकर, राशन सप्लाई या बेसिक असेंशियल सप्लाईज संबंधित, या बच्चों की बीमारी, इंजरी या मेडिकल अटेंशन संबंधित से लेकर हर प्रकार की हमें शिकायतें आती थीं। उस पर फिर हम इंटरवीन करते थे, हमने 2 भागों में बांटा हुआ था वो सारी शिकायतें जो थोड़ी इमरजेंसी नेचर की है उसको हम 24 घंटे के अंदर एंटरटेन करते थे, जो इमरजेंसी नेचर की नहीं थी उनको 7 दिन के अंदर एंटरटेन करते थे। तो हमने ये काफ़ी महीने चलाया। इस साल की शुरुआत में हमने उस हेल्पलाइन को और एक्सपैंड किया और फिज़िकल टीम भी बनाई। अब हमारे टीम दिल्ली में 5 बाइक और 5 गाड़ियाँ हमारे पास हैं ताकि किसी बच्चे को डिस्ट्रेस संबंधित हेल्पलाइन पे कॉल आता है तो हमारी टीम तुरंत ऑन द स्पॉट पहुंच जाए और उस बच्चे की जो भी इमीडिएट इमरजेंट नीड है उसको फुलफिल कर पाए, उसको एड्रेस कर पाए। तो ये हेल्पलाइन अपने आप में एक ना सिर्फ रिस्पांस हेल्पलाइन बट एक लाइफलाइन बन गई उन बच्चों के लिए जो किसी प्रकार के सीवियर डिस्ट्रेस में है। मेरी सबसे अपील है, जब भी आप किसी बच्चे को समस्या में देखें तो बहुत ज़रूरी है, अक्सर हम सोचते हैं कि क्यों हमें किसी पंगे में पढ़ना है, अक्सर हम सोचते हैं कि कहाँ जाएँ, अक्सर हम शक करते हैं और सही तरीके से शक करते हैं कि क्या सरकार मदद करेगी। तो मेरा उन सबसे अपील है कि ना सिर्फ हमारी हेल्पलाइन पर रिपोर्ट करें बल्कि एक हेल्पलाइन को मौका दें और खुद देखें और आपको लगे कि हम बच्चों की मदद कर पा रहे हैं तो हर बच्चा जिसको आप डिस्ट्रेस में देखें उसकी जानकारी हम तक पहुँचाएँ। और आपका एक फ़ोन कॉल
ना सिर्फ हमारी मदद कर सकता है बट मोर इम्पोर्टेंटली उस बच्चे की मदद कर सकता है उसकी ज़िंदगी संवारने में, उसकी ज़िंदगी सुधारने में। तो आज हमारी मुलाकात हुई DCPCR के चेयरपर्सन मिस्टर अनुराग कुंडू के साथ। फिर आपसे होगी मुलाकात एक खास कॉन्सेप्ट के साथ। नमस्कार।